ओम शांति मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रदान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता? लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वह नज़ारा वह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना, माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति।